महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। शिवसेना जहां बीजेपी को 50-50 का फॉर्मूला याद दिला रही है, तो वहीं बीजेपी ऐसे फॉर्मूला होने से ही साफ इनकार कर रही है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं था, लेकिन इस तकरार के बीच आज बीजेपी की बैठक होगी जिसमें देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 विधायक मिले हैं। कुल 161 का आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 105 विधायक मिले हैं, लेकिन ये सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। ऐसे में बुधवार को बैठक होगी जिसमें बीजेपी के सभी विधायक देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुनेंगे। बीजेपी और शिवसेना यानी दोनों पार्टियों के घमासान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया था कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। शिवसेना के साथ 50-50 के फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया गया था, ये भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा। लेकिन इसी बीच शिवसेना अपने सत्ता के 50-50 के फॉर्मूले से बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी आज पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी और शिवसेना के इस तकरार के बीच दोनों ही पार्टियों की आखिर किस फॉर्मूले पर आम सहमति होगी, ये देखना होगा। न्यूज के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।